लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक संशोधन बिल पेश कर दिया। इस दौरान जमकर बहस हुआ। सबसे पहले तो इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या इस बिल को पेश किया जाए या नहीं। जब अमित शाह ने बिल को पेश किया तो अधीर रंजन चौधरी इसका विरोध करने लगे। द बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेटिक फैब्रिक एंड एनी डिविएशन फ्रॉम इट वुड रेंडर एनी स्टैट्यूटरी इनएक्टमेंट नॉट ओनली न्यूगेटरी बट ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Whether it is the constitution that is expounded or the constitutional validity of statute that is considered a cardinal rule is to look to the preamble to the constitution as the guiding light. The preamble embodies and expresses the hope and aspiration of the people. Sir, Article 511 of the constitution deals with the citizenship and citizenship act was thereafter drafted keeping in mind the guidelines act 6 and prescribed by the constitution itself. The concept of citizenship cannot be read in isolation but has to be read extensively with the articles enunciated in our constitution itself. Sir, kaha mai bahar baat karte hain. The amendment goes against the essence of article 5, 10, 14 and 15 of the Indian constitution. Article 5 deals with the citizenship of the commencement of the constitution and article 10 deals with the continuance of the rights of citizenship. The aforementioned articles define and protect the right of the citizenship of Indians, which is in serious threat if the said amendment is sought to be brought. Article 14 guarantees equality before law. Article 15 protects every person discrimination on the pretext of religion, race, caste, sex, place of birth, and any of them. Yes, Article 11, Amit Shah ji, Article 11 of the Constitution further empowers the Parliament to legislate on citizenship, but it has to be borne in mind that the said legislation is subject to Article 13, which envisages an express bar to legislation inconsistent with the fundamental rights guaranteed under Part 3 of the Constitution. आप बोलिए आईन मंत्री जी कहाँ गलत किया? अधीर रंजन चौधरी ने जब आर्टिकल 14 को लेकर इतना सवाल उठाया तो अमित शाह ने भी जवाब दिया। उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है, मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूँ और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को रहे, तो ये भी बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए भी है और नरसंहार रुका नहीं है। मान्यवर, 71 के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों को चून चून कर प्रताड़ित करने की घटना हुई। मैं जब बिल का जवाब दूंगा बिल पर ही कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 14 पर ही बोल रहा हूं। मैं आर्टिकल नहीं, आपने भी भाषण दिया था, आपने भी भाषण दिया था मान्यवर। उसके बाद में युगांडा से आए हुए सारे लोगों को इस देश में कांग्रेस के शासन में ही शरण दी गई, नागरिकता दी गई, तो फिर क्यों युगांडा करा? इंग्लैंड से आए हुए लोगों को क्यों नहीं करा? सब करने चाहिए थे, क्योंकि एक विशिष्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर युगांडा वालों को दिया गया था। दंडकारण्य का कानून लेकर आए तब भी सबको नागरिकता दी, सिर्फ क्यों उस वक्त भी बांग्लादेश करा 59 में? क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया था। मान्यवर, श्रीमान राजीव गांधी जी ने आसाम एकॉर्ड करा, फिर से 71 तक के सभी लोगों को स्वीकार कर लिया, क्यों 71 के बाद के नहीं करें? क्योंकि एक कट ऑफ डेट नक्की हुई तो आर्टिकल 14 वहां अप्लाई नहीं होता था। आर्टिकल 14 वहां पर पूरी दुनिया से आए हुए ले लो भाई 71 से। और मान्यवर, ऐसे समानता के अधिकार के कानून दुनिया भर के संविधान के अंदर है। मैं ढेरों संविधान को कोट कर सकता हूं। एक नागरिक यहां से वहां जाकर सिटीजनशिप ले ले, वो ग्रीन कार्ड देते हैं। किसके आधार पर देते हैं मान्यवर? जो ज्यादा निवेश करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, इसको देते हैं। क्या समानता विकसित होती है? क्या नहीं होती है मान्यवर?
एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर होता है। और कई सारे कानून, इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समानता का आर्टिकल 14 का अगर आप, जो मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र करते हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे, माननीय बताइए मुझे। समानता का कानून अप्लाई वहां क्यों नहीं होता है? उनके उनके एजुकेशन, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो अधिकार मिला है वो एक सेकंड वो आर्टिकल 14 वायोलेट करता है क्या? वो एक रीजनेबल, दादा बैठ जाइए दादा बैठ, अब मुझे सुनना पड़ेगा आपको। अमित शाह को विपक्ष लगातार परेशान कर रहा था और अधीर रंजन चौधरी ने कई सवाल उठाए, जिसके बाद अमित शाह ने उनके नाम से ही एग्जाम्पल दिया। हाँ बोले, आप एक भाषण का समय आएगा, एक मिनट मान्यवर, ये सारी चीजों का मैं जवाब दूंगा। माननीय प्लीज मान्यवर, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 मत के धर्म के पालन करने वालों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई। ये बिल जो मैं लेकर आया हूं, मान्यवर जो बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर, यहां कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं, हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी, नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे ये सबको मिलेगा। एक मिनट तुम बैठ जाइए। हाँ प्लीज माननीय, इनका जवाब मत दीजिए आप। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं, मैं कह दूं ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा, इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, इस देश का विभाजन, माननीय आपका अंकित हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका अंकित हो रहा है, नहीं हो रहा होगा। आपको बता दें कि लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल की रेस में बीजेपी ने पहली लड़ाई तो जीत ली, विपक्ष के हंगामे के बाद भी लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाए या नहीं इसकी चर्चा पर 293 वोट पक्ष में पड़े और सिर्फ 82 वोट विपक्ष में। आपको बता दें कि इस बिल के बहस में अमित शाह ने ये भी बताया कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर, उनको सुनना पड़ेगा,
विभाजन। माननीय आपका अंकित हो रहा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका अंकित हो रहा नहीं हो रहा होगा। सब उनको